सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है, सब कोई सेफ रहिए और स्टे हैप्पी। तो हेलो गाइज, मैं आप सबके सामने आ चुकी हूँ फिर से अपने एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नई खुशियों के साथ। तो गाइज़, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दिसंबर के महीने पे है, क्योंकि दिसंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और ये काफ़ी खुशी भरा महीना होता है, क्योंकि इसमें क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है और सैंटा आते हैं, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तो हम वो सब भी सेलिब्रेशन करेंगे, पर वो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आज के लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आज है 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर है तो आज मयंक के स्कूल में हुआ था एनुअल स्पोर्ट्स डे, और स्पोर्ट्स डे में मयंक ने पार्टिसिपेट किया था। तो जो मयंक के स्कूल में जो एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ था वो दो पार्ट में हुआ था, एक सीनियर सेक्शन में एक जूनियर सेक्शन में, जिसमें जूनियर सेक्शन में आते हैं प्ले ग्रुप और नर्सरी ग्रुप, उसके बाद जो आते हैं वो सीनियर सेक्शंस में आते हैं। तो मयंक अभी जैसे कि प्ले ग्रुप में है, तो प्ले ग्रुप में दो पार्ट्स में खेल हो रहा था, एक फर्स्ट था रेसिंग कंपटीशन और सेकंड था फ्रॉग जंप। तो मयंक को मैंने दोनों ही चीज़ों में पार्ट लेने के लिए दिया था मौका, और मयंक ने उसमें काफ़ी अच्छे से पार्ट भी लिया। उसने क्या परफॉर्मेंस की, कैसा परफॉर्म किया, वो सब आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करूँगी कि उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे के आया है। बाकी आप मेरे फ़ोटोज़ देखिए जो कि मयंक के स्कूल से आए हैं, जिसमें मयंक ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, और बाकी उसके और भी फ्रेंड्स लोग ने परफॉर्मेंस दी है, और बहुत अच्छा सभी बच्चों ने परफॉर्म किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि स्कूल इस तरह के एक्टिविटीज़ जब बच्चों से कराते हैं ना, तो बच्चे काफ़ी खुल पाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट भी कर पाते हैं, खुल भी पाते हैं, उन्हें नई नई एक्टिविटीज़ सीखने को मिलती है, जिससे कि उनका मनोबल बढ़ता है। तो अपने बच्चे को हर एक टाइम पर आप इनकरेज करें, कुछ भी चीज़ हो रही है स्कूल में तो उसमें इनकरेज करें कि वो पार्ट लें, उनको पार्ट लेने दें, और आप एज अ पेरेंट खुद उनको पार्ट दिलाएं उन चीज़ों में, ताकि आपका बच्चा हर एक चीज़ में एक्टिव रहे। क्योंकि बच्चों के एक्टिव रहने से ना उनके आगे की फ्यूचर ब्राइट रहता है। अगर आपका बच्चा शाई रहेगा, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, या आप सोचोगे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। तो उनको मौका दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, और हमेशा उनके साथ खड़े रहिए कि नहीं आप कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फ़ोटोज़ की ओर देखते हैं कैसा मयंक ने परफॉर्म किया। तो यहाँ मयंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और स्कूल की सारी फैकल्टीज़ वगैरह भी लगी हुई थी, मैम सर सभी लगे हुए थे, बच्चों लोगों का पूरा ध्यान रखा जा रहा था कि बच्चे नहीं गिरें, और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने कंपटीशन में पार्ट लिया। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सभी बच्चों में बहुत उत्साह था, और मयंक को काफ़ी चीज़ें जानने का भी मन कर रहा था, पर फिर भी सारे बच्चों ने बहुत वेल डन किया। और सभी बच्चों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि कीप इट अप, वेरी वेल डन, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो आप लोग सब कोई हमेशा। फ़ोटोज़ वगैरह सब आपने देख ही ली हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि गाइज, अगर आपका बच्चा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको परफॉर्म करवाएं, उनको इनकरेज ज़रूर करें, क्योंकि हर बच्चे अलग होते हैं, हर बच्चों की अपब्रिंगिंग अलग होती है, पर ऐसा कभी भी नहीं सोचें कि मेरा बच्चा इस चीज़ में कम है, मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा। अगर आप ये चीज़ सोचेंगे ना, तो आपका बच्चा डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। तो हमेशा अपने बच्चे को इनकरेज करें कि नहीं आप कर सकते हो, आप इसे ज़रूर कर सकते हो, अरे आप करके देखो, हम हैं आपके पीछे, आप करिए इसे, तब आपका बच्चा ज़्यादा इनकरेज रहेगा। तो वो ज़रूर करने की कोशिश करेगा कि नहीं, अगर मामा बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, या पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो हम ज़रूर कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को हमेशा इनकरेज करें, हमेशा प्रोत्साहित करें, हमेशा उन्हें बढ़ावा दें कि वो स्कूल की हर एक एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्ट लें। देखिए, हर जीतना हर कोई के लिए नहीं है, जीतेगा तो एक ही जन, पर आपके बच्चे कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं रखता, जितना बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ें सीखना इम्पॉर्टेंट रखता है। तो ज़रूर अपने बच्चे को हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर कराएं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल। चला